गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टोन के पेन के बारे में कि आप ऐसा क्या घरेलू नुस्खा कर सकते हैं जिससे आप ये भयंकर से भयंकर होने वाले पेन में रिलीफ पा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी ये वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुँच जाएँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है स्टोन का पेन। पेन जो है ये हमारी बॉडी में दो जगह हो सकता है, एक तो ये गॉल ब्लैडर और सेकंड किडनी का स्टोन। जब ये पेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, आपको आपकी नानी याद आ जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको इस पेन में तुरंत 2 या 3 मिनटों में ही आपको रिलीफ मिल जाए। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के पेन के बारे में कि आप कैसे इंस्टेंटली 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में घरेलू नुस्खा अपना करके उस पेन में बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है वो सिर्फ राइट हैंड साइड में चेस्ट के बिल्कुल यहाँ ठीक नीचे होता है, मोस्टली यही होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो ये स्टोन का पेन है वो बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में यहाँ इस जगह भी आपको उठ सकता है। क्योंकि ये पेन जो है गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन मुझे भी उठाता तो मुझे बिल्कुल ठीक सेंटर में ही उठाता। मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने बोला कि आपको शायद गैस है, गैस की प्रॉब्लम है, गैस की, क्योंकि गैस का दर्द जो है वो यहीं पर रुकता है। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही थी, बार बार मेरा पेन जो वो इंक्रीज़ होता जा रहा था। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें क्लियर हुआ कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन। मुझे जब फर्स्ट टाइम दर्द हुआ वो सिर्फ 1.5 मिनट के लिए था, उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, कभी 2 घंटे, कभी कभी पूरी रात मतलब मुझे दर्द रहता था। और ये दर्द कितना भयंकर होता है इस दर्द को सिर्फ वो ही जान सकते हैं जिनको ये पेन उठा है, बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है कि शायद कुछ नहीं होता। जब आपको पेन होता है ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सिर्फ डॉक्टर के पास ये वो इंजेक्शन से आपका पेन में रिलीफ दिला सकते हैं। और बाकी सेकंड अगर आप सिर्फ परमानेंटली रिलीफ पाना चाहते हैं तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ेगा, आपको उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, मतलब पित्त की थैली आपके शरीर में से बाहर निकाल दी जाएगी। तो अभी तक मेरा भी शायद ऑपरेशन हो चुका होता अगर मैंने वो चीज़ें ना अपनाई होती। मैंने यूट्यूब पर सारी वीडियो सर्च कर डाली लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर में अगर अचानक से पेन उठ जाए तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल जाए। मैंने सोचा जब इस चीज़ को करने से मुझे रिलीफ मिला तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे सबको देनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जो पेन है ये कभी भी उठ सकता है, रात में या दिन में या आधी रात में कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर आप वो चीज़, मतलब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं और कुछ भी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुरंत आप ऑपरेशन भी नहीं करा सकते। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपकी किडनी लीवर पर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं जो इंजेक्शन होते हैं। तो मैंने जब काफ़ी सारी वीडियो सर्च की मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे सिर्फ यही चीज़ें यूट्यूब पर नज़र आई कि आप खाने में क्या खा सकते हैं अगर आपको स्टोन हो गया और क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। मेरे केस में जो था मेरा भी ऑपरेशन शायद हो जाता अब तक, क्योंकि उस टाइम पे जब ये मुझे इतने सारे इंजेक्शन लग रहे थे तो हम नवरात्रे थे, नवरात्रों में मम्मा चाह रही थी मेरी कि एटलीस्ट नवरात्रे हो जाए उसके बाद ऑपरेशन कराएं, क्योंकि घर में हमने जोत जलाई हुई थी। तो शायद माता रानी की कृपा थी उस टाइम, क्योंकि जब मुझे पेन उठा कि मैंने फ्राइडफिन लिया, उसमें गर्म पानी किया और मतलब 2 गिलास गर्म पानी किया मैंने गुनगुना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म थी, और उसमें मैंने 2 नींबू निचोड़ करके डाला और मैं उसको जल्दी जल्दी पी गई। मतलब क्योंकि खट्टा इतना था एकदम से तो नहीं पिया गया, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, और कुछ नहीं मिलाना है इसमें और कुछ नहीं करना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जो ये पानी पिया, मैंने उससे पहले अभी तक ये जो मैंने दिखाई आपको रिपोर्ट्स, इतने सारे जो मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं, ये इंजेक्शन जो लगे हैं मुझे, इनसे भी रिलीफ मुझे 20 से 25 मिनट के बीच में आया था। लेकिन वो जो मैंने नींबू पानी पिया ना, जो गर्म पानी और उसमें नींबू डाल के पिया, सिर्फ 2 मिनट लगे मुझे रिलीफ आने में। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन में ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, और अभी मैं किसी फंक्शन में भी गई थी तो वहाँ पर पूड़ियाँ थी, मुझे डर लग रहा था कि मैं खाऊँ कि ना खाऊँ, क्योंकि और चीज़ें तो चलो ठीक है नॉर्मल खाना तो खा लो, लेकिन पूड़ियाँ डर लग रहा था। तो फिर भी मैंने वहाँ पर पूड़ियाँ खाई, मैंने चावल खाए, और अगर आप ऐसा ऑयली फूड खा रहे हैं कुछ भी, तो अगर आप पूड़ियाँ खा रहे हैं तो ज़रूर ये ध्यान रखिए कि आप रायता बहुत सारा पीजिए अगर आप पूड़ियाँ खा रहे हैं। तो मैंने 3 गिलास रायता पिया साथ में पूड़ियों के, और तुरंत ही खाना खाने के बाद वो सलाद में वहाँ नींबू रखे हुए थे, नींबू
लिए मैंने पानी में निचोड़ा और मैं उसको पी गई। मुझे गाइस पेन नहीं उठा, क्योंकि जितनी परेशानी से मैं गुजर रही थी उसके बाद मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं उठा। अभी शुरू में करीब एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मुझे अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है। गॉलब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, जिनको भी है तो आई होप कि उनको ज़रूर ये करके रिलीफ मिलेगा। और अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे ये देखकर कि मेरी वजह से किसी को ये पेन किलर इंजेक्शन ना लेने पड़े, उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।